नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सूरज पहाड़ी ब्लॉग्स में। दोस्तों, जो मेरी पहली पेमेंट वाली वीडियो थी उसमें आप लोगों ने काफ़ी प्यार, सपोर्ट और कमेंट किए, उसके लिए दिल से धन्यवाद सभी लोगों का। चाहे दोस्तों कोई किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है हमारे क्रिकेट ग्राउंड से। ये देखिए, पहले दोस्तों यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारे लोग आते थे अलग अलग गांव से, लेकिन अब गांव में कोई नहीं है, सब जॉब करने के लिए चले गए शहरों में। देख सकते हैं आजकल पूरा हरा भरा हो रखा है, पूरा मैदान घास जमी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, और जंगल भी काफ़ी हो गया क्योंकि अब कोई खेलने के लिए नहीं आता है, तो यहाँ पर जंगल हो गया बहुत ज़्यादा। ये दोस्तों आप मौसम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ ऊपर जो ये चोटियाँ हैं ना, ये जो कोहरा यहाँ पर, ये कभी हटता नहीं है। श्रावण के महीने ये कभी हटता नहीं है, यहीं पर रहता है ये कोहरा ऊपर चोटियों में। आजकल दोस्तों पहाड़ों में एक चीज़ हो रखी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, और बहुत ज़्यादा हो रखी है। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। यहाँ पर आजकल काफ़ी जंगल बढ़ गया, यहाँ पर है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है गिंगारू, और ये पहाड़ों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये देखिए पूरा लाल हो रखा है ऊपर तक, यहाँ तक, ये देखिए। तो इसे गिंगारू बोलते हैं। किस किस के यहाँ होता है ये कमेंट में बताना, और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ये भी बता देना। ये देखिए यहाँ पर भी हो रखा है गिंगारू, और यहाँ पर अभी कच्चे हैं। जब ये कच्चे होते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, और जब पक जाते हैं तो ये लाल लाल हो जाते हैं ऐसे। आजकल बारिश होने के कारण खाई में भी पानी भर गया, ये देखिए भैंसों के लिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों च्यू, इसको पहाड़ी भाषा में च्यू बोलते हैं। एक ये हो गया, यहाँ पर भी है, और एक छोटा सा यहाँ पर भी है। देखिए ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं बाद में, अभी ये इतने इतने होने वाले हैं, मतलब इतना एरिया होगा इसका, इतना एरिया काफ़ी बड़े। यहाँ पर खेत के किनारे पर, इसको पहाड़ी भाषा में पदुन बोलते हैं। इसको पुराने लोग ज़्यादा रखते थे खेत के किनारे पर, दरंत की जो धार होती है उसको तेज़ करने के लिए, लेकिन अब कोई नहीं रखता। बस यही मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है जो बहुत पहले से है। तो गाँव वालों के खेत हैं। देखिए कोदा मार्चा आजकल बोया गया, और काफ़ी हरे भरे और खेत भी, खेत के किनारे पे घास है और खेत में कोदा मार्च है। ये देखिए दोस्तों मार्चा काफी बड़ा बड़ा हो गया है, और इसके पत्ते बहुत काम आते हैं, सब्जी के काम, पत्तोड़ के काम, जो कि मैंने पहले भी बता रखा है। ये है झंगोरा, पहले वाले ब्लॉग में देखना कितना छोटा छोटा था, अब बहुत ऊपर आ गए। देखिए तो दोस्तों अब मेरा चाय पीने का टाइम हो गया, शाम का टाइम 4 से 5 बजे। तो दोस्तों ये चाय भी बन के तैयार हो गई है, और पहाड़ों में लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों।